सर्वप्रथम आह्वान करें हम परात्पर एवं परात्परा जननी की सम्मिलित दिव्य चेतना का, उत्तरित होकर वर्तमान में परात्पर के प्रतिनिधि स्वरूप प्रादुर्भूत हुए महायोगी महर्षि श्री अरविंद द्वारा विरचित सावित्री महाकाव्य के बुक वन कैंटो फोर द सीक्रेट नॉलेज 48वें पृष्ठ की 11वीं पंक्ति पर 12वें इंस्टॉलमेंट में हमारी चेतना को अपनी चेतना के साथ रखकर ऊर्ध्वारोहण कराएं, ताकि रखे गए भाव को, विचारणा को, मंत्रों को, सूत्रों को हम प्रकट होने पर ठीक ठीक देख सके, जान सके, सीख सके, समझ सके। तद अनुरूप साधना के ध्रुव पथ पर अपना कदम आगे बढ़ा सके, इसी मनोभाव से हम प्रयत्न करते हैं। कहते हैं महायोगी, द ट्रूथ माइंड कुड नॉट नो अनवील्स इट्स फेस, वी हियर व्हाट मॉर्टल इयर्स हैव नेवर हर्ड, we feel what earthly sense has never felt, we love what common hearts repel and dread, our minds hush to a bright omniscient, a voice calls from the chambers of the soul, we meet the ecstasy of the Godhead's touch in golden privacies of immortal fire. पूर्व के कुछ भाव को साथ रखकर सरल भाव की ओर हम आगे बढ़ते हैं। शाश्वत के ऊर्ध्व लोक से एक किरण अवतरित होकर मानव सत्ता के नश्वर अभिव्यक्त सत्ता स्तरों को जब अवतरित होकर मुद्रांकित कर देती है, तब मानव मन विश्व मन से प्रवाहित विचारों, जिनसे मन सहित अन्य सत्ता स्तर प्रभावित होकर उद्भ्रांत उद्वेलित बने रहते हैं, अब इन विश्व मन से प्रवाहित विचारों से हमारा मन रिक्त शुद्ध स्थिर बन जाने की स्थिति में शने शने स्थित होने लगता है। तभी वह परम सत्य जिसे अब तक मानव मन नहीं जान पाया था, वह परम सत्य सत्ता स्तरों की चेतना पर पड़े असत अचित अज्ञान अंधकार एवं अहम के आवरणों को ध्वस्त करके स्वयं को अनावरित कर मानव मनस्पटल पर प्रकट हो जाता है। परम सत्य किरण का सत्ता स्तरों में अनावरित बन प्रकट होने की शुभ वेला में मानव के सामान्य कर्ण कूरों में पूर्व में जो विश्व मन विचारों से आक्रांत नश्वरता की ध्वनि प्रतिध्वनित होती रहती थी, अब उसके स्थान पर सत चेतना किरण से उद्भूत स्पंदन एवं दिव्य सामगान की दिव्य वाणी की श्रुति को हम सुनने लगते हैं, जिसको अपनी इस
नश्वर श्रवण शक्ति ने इस क्षण के पूर्व कभी नहीं सुना था। मानव जिस इंद्रिय प्रभावित सामान्य नश्वर बोध से संचालित जीवन यापन का सदैव अभ्यस्त बना, नश्वर जीवन यापन संस्पर्शों का अनुभव करता आया था, अब सत्ता में सत्य सूर्य किरण प्रवेश से पूर्व में उसकी पार्थिव सत्ता स्तर जिस शाश्वत पराचेतना के स्वर्गिक बोध का स्वाद कभी न चख पाई थी, अब देवी दिव्य संस्पर्श बोध का समूची इंद्रियों संग सत्ता स्तरों को शाश्वत संस्पर्श अनुभव का स्वाद उसकी नश्वर सत्ता को मिलने लगा था। शाश्वत शांति नीरवता निस्तब्धता पर परम आनंद तथा दिव्य ऊर्जा से उत्प्रोत सत्ता स्तर अनुभव करने लगे थे। शाश्वत सत्य सूर्य दिव्य किरण प्रवेश ने हमारे नश्वर प्रेम धारित क्षणभंगुर प्रेम की अनुभूति वाले हृदय में अब अवतरित हुई शाश्वत दिव्य प्रेम के शाश्वत स्रोतों से अवतरित प्रवाह से सराबोर होकर अपूर्यमान होकर अब तक जो व्यष्टि भाव से क्षणिक स्वार्थी प्रेम व्यक्त करता था, अब समष्टिगत चेतना अथवा सृजित सृष्टि के कण कण के प्रति निष्काम भाव से पूर्ण समत्व में स्थित रहकर दिव्य प्रेम का प्रवाह उसके हृदय से हिलोरे उठकर मानव को अनुभव होने लगता है। यहां तक कि हिंसक क्रूर सिंह समान या विषधारी सर्प के समान व्यवहार करने वालों से हम अब तक नश्वर मनश्चेतना से डरते रहते थे और कभी पाला पड़े तो उन्हें दूर ठेल देते। उन सबको भी अब हम समान रूप से दिव्य प्रेम प्रवाहित हृदय से दिव्य संस्पर्श प्रदान करते हुए आलिंगन प्रदान करने लगते हैं, क्योंकि सृजित सब कुछ अब हम हमारे समान अंश की उपस्थिति का उन सभी में भी उन्हीं परमात्मा दिव्य अंश का अनुभव अपना ही दिव्य अंश का अनुभव सब में करते हैं। सत्ता स्तरों पर शाश्वत सत्य सूर्य किरण की ज्वाजल्यमान प्रकाशित किरण प्रागट्य की अचानक आई शुभ वेला में हमारे सत्ता स्तरों पर पूर्णतया उसके छा जाने एवं उन पर अधिपत्य स्थापित कर लेने से अचकचाए से हमारी नश्वर सत्ता स्तरों में एक ओजमय ईश्वरीय सर्वोत्तम ज्ञान की दिव्य सर्वप्रज्ञ
सत्ता स्तरों पर अधिपत्य के आगे मानव का नश्वर मन बुद्धि हटात ठगा ठगा सा महसूस कर शाश्वती प्रज्ञा को पूर्ण समर्पित हो जाते हैं। शाश्वत सर्व प्रज्ञ अधिपत्य के शासन में सत्ता के स्तर मन बुद्धि जिनमें वह सर्वप्रज्ञ अवतरित होकर हमारी अंतरात्मा को अपने रहने का आधार बनाती और सृष्टि सृजन उद्देश्य के दिव्य स्वर को आत्मा के निगूह्य कक्ष से सत्ता स्तरों में गुंजरित करके भागवत संकल्प सिद्धि प्रयास हेतु समस्त सत्ता स्तरों के साथ मिलकर गुहार लगाती है, क्योंकि हमारा नश्वर मन कभी भी इन सत्य तथ्य से अनुभूति पाने वाला नहीं था। बाह्य जगत क्रियाकलापों के शोर शराबे में डूबा, इसी के नशे में उन्मुक्त जीवन यापन करते रहने वाला हमारा मन अब ईश्वरीय ज्ञान की सर्व प्रज्ञ शाश्वत किरण प्रवेश एवं स्थापना से रिक्त शुद्ध और स्थिर हो जाता। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता इंद्रिय गत संचालन से मुक्त व्यष्टि अहम क्षय हो जाने से हमारे प्राण क्षोभ रहित शांत हो जाते हैं। हृदय एवं भाव केंद्र नश्वर इंद्रियगत स्पंदनों को त्याग कर निश्चल नीरव हो जाते हैं और शरीर उसका प्रत्येक नश्वर जड़ीभूत कोषाणु शाश्वत दिव्य सौंदर्य शक्ति के संस्पर्श से क्षरण प्रक्रिया त्याग करके निश्चल अचलायमानता स्थिति में स्थिर हो जाने पर अब हम ध्यानस्थ हो जाते हैं। तब मन में दिव्य ज्ञान, प्राणों में दिव्य ऊर्जा, हृदय में दिव्य प्रेम, शरीर एवं कोश कोश में दिव्य सौंदर्य अपूर्वमान होकर प्रकट हो जाते हैं। इस प्रकार शाश्वत लोक से अवतरित हुई शाश्वत दिव्य अजर अमर अग्नि किरण ज्वाल प्रवेश से मानव के अंतर में स्थित एकांत वास में चैत्य गुफा में विद्यमान भागवत दिव्य चिंगारी अग्नि के सुप्तावास से अवतरित सुप्तावास पे अवतरित शाश्वतता की दिव्य प्रज्ञा का दिव्य ज्ञान शाश्वत ऊर्जा का प्राण के तंतु तंतु में प्रवाह एवं दिव्य संस्पर्श हृदय में शाश्वत दिव्य प्रेम के प्रवाह का दिव्य संस्पर्श शरीर के कोश कोश में चैत्य से धारित शाश्वत दिव्य सौंदर्य के प्रवाह से पाए दिव्य संस्पर्श से हमारी नश्वर सत्ता स्तरों को शाश्वत परमानंद और दिव्य प्रकाश का परम पवित्र संस्पर्श मिल जाता। तब मानो मानव जीवन
धन्य हो जाता। आज हम इस सार गर्भित विषय को यहीं विराम देते हैं। आह्वान पर अवतरित हुई परात्पर एवं परात्परा जननी की सम्मिलित दिव्य चेतना, जिन पर आरूढ़ होकर हमने सावित्री महाकाव्य के दिव्य सूत्रों मंत्रों को प्रकट होने पर देखा सीखा समझा जाना। अवतरित हुई दिव्य चेतना से हम निवेदन करें प्रकट हुए इस ज्ञान को, विज्ञान को हमारी सत्ता के स्तरों में उचित स्थान प्रदान कराएं, ताकि जब जब साधना के दुपद पर हमें इस ज्ञान विज्ञान की आवश्यकता हो, तब तब यह ज्ञान विज्ञान जागृत होकर साधना के दुरुपद पर हमारा नेतृत्व कराए। इसी मनोभाव से हम कुछ क्षणों के लिए ध्यान की गहराई में प्रवेश कर जाएं। सचेतन सावधान सावचेत बने रहें। भागवत क्रिया हमारी सत्ता के स्तरों पर संपन्न होने जा रही है।